ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डैम हादसे के लिए केकड़ों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो ऐसे में एनसीपी के आमदार जितेंद्र आवाड ने केकड़ों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और केकड़ों की गिरफ्तारी की मांग की। तिवारे डैम हादसे में लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद जल संसाधन मंत्री तानाजी सावंत ने इसके लिए केकड़ों को जिम्मेदार ठहराया था। गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा है, जो होना है वो हो गया, केकड़े दीवार को कमजोर कर दिए थे इसलिए ये हादसा हुआ। मगर वही एनसीपी के आमदार जितेंद्र आहवाड ने कहा कि केकड़ों की आड़ में भ्रष्ट मछलियों को बचाया जा रहा है और केकड़े लेकर जितेंद्र आहवाड आनंद ब्रांच पे और तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता नौपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे और केकड़ों की गिरफ्तारी की मांग की। देखिए वीडियो किस तरह से आमदार हाथ में केकड़े लेकर पुलिस स्टेशन में गए और केकड़े की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तर असे किती आरोपी असे पहिले दोन मिळाले दोन मिळाले काय काय थांबाय बोललो ना ये ना आता साहेब पुढे मी घ्या या तुम्ही घ्या तुम्ही घ्या 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 तर जुवत जाऊ काय थांबा साहेब काय साहेब काय आता कशाने आरोपी धरण काय थांबाय काय थांबाय साहेब थांबा आरोपी आणलेले आहेत धरण पडलेले सोय पण झाली युगो पाटील युगो हेले धरण पडलं कशा मारे मारे मसाला रवि 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 कैमेरा साहब थोड़ा बोलता है अरे मान जा आता है तो कारवाई ले साहब वर्षी था ना वर्षी क्या क्या आता पकड़ा साला घूम का करूं लॉकअप ना कारवाई करा दे कारवाई करा दे जो वर्षी लॉकअप लो अब इतने पकड़ा ना साहब पूरा ना ठीक है हाँ ये टाइम ना हाँ इतने पकड़ा इतने हाँ इतने सरकार बेशरम सरकार 23 लोग मर गए पानी में बह के। वो गांव के लोग बार बार बता रहे थे शासन के अधिकारियों को कि ये धरन से पानी आ रहा है, कभी भी गलत हो सकता है, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब 23 लोग मरने के बाद सरकार तरफ से बयान आता है कि ठेकड़े के वजह से धरन खुल गया, ये डैम खुल गया। अरे कोई इंसानियत जिंदा है कि नहीं है? ये सरकार के मुर्दों के लाशों के ऊपर वोट लेने वाली है क्या? एक मंत्री उठ के कहता है अभी गांव से मैयत नहीं निकली है। अरे जिम्मेदारी मत लो, पर कम से कम जिम्मेदारी ऐसे लोग को ऐसे किसी पे मत डालो कि लोग उस पर हंसेंगे। अपना अपना खुद ही मजाक बना ले रही है ये सरकार। राजीनामा नहीं, कोई राजीनामा वगैरह नहीं देंगे, ये बेशरम है। कोई राजीनामा वगैरह नहीं देने वाले। अभी तक एक आदमी को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, अभी तक एक आदमी को। क्या 23 लोगों की जान नहीं है? क्या गरीबों की जान जान नहीं होती है? यही अगर किसी अमीर के घर में कुछ होता तो अभी तक तो डीजी से लेके सीपी से लेके और पूरा राज्य शासन एकदम लग जाता काम पे। गरीब लोग हैं ना बेचारे। पुलिस वाले को ये ठेकड़े देने के बाद वो अरेस्ट करने, यानी ऐसा है कि ठेकड़े से अगर मरा है तो हमको ये ठेकड़े मिले एयरपोर्ट पे, विजय मल्या के जैसे भाग रहे थे पकड़ के लाया उनको दे दिया। आपको बता दें कि तिवारे बांध टूटने पर केकड़ों को लोगों की जान का जिम्मेदार ठहराने पर मंत्री तानाजी सावंत पर विपक्षी दलों ने आलोचना की है, तो वहीं एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने भी सावंत द्वारा केकड़ों को जिम्मेदार ठहराने पर शर्मनाक बताया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।